हमको क्वेश्चन दिया है फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ओपन करके पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो पैरेलल एसिम्प्टोट्स के लिए क्या चाहिए, हमको हाईएस्ट डिग्री टर्म चाहिए। ठीक है, तो पहले इसको ओपन कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, और इस टर्म को ओपन करो तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, और यहाँ से क्या मिलने वाला है, सिंपली प्लस ए एक्स के पावर फोर माइनस ए एक्स क्यूब वाई माइनस ए स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स के पावर फाइव प्लस एक्स के पावर थ्री वाई का स्क्वायर माइनस टू एक्स के पावर फोर वाई, फिर क्या मिलेगा, प्लस एक्स के पावर फोर वाई प्लस एक्स का स्क्वायर वाई के पावर वाई ओवर थ्री, फिर क्या मिलेगा, माइनस टू एक्स क्यूब, और क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस, ये सभी टर्म लिख लो, ए एक्स के पावर फोर माइनस ए एक्स क्यूब वाई माइनस ए स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस के बारे में, तो उसके लिए क्या करोगे, इस कर्व के इक्वेशन में जहाँ पे भी एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट को जीरो करोगे। तो एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म कहाँ पर है, यहाँ पे एक्स के पावर फाइव, इसके कोफिशिएंट कितना है, वन है, तो वन कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि वन जीरो के बराबर नहीं है, कॉन्स्टेंट नंबर, हमको इसीलिए एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस के बारे में, तो इसमें क्या करोगे, जहाँ पे भी वाई का हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट को जीरो करोगे। तो वाई का हाईएस्ट डिग्री टर्म कहाँ कहाँ पे है, इसको आया वाई 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 क्यूब यहाँ पे है, वाई स्क्वायर वाई वाई क्यूब, मतलब ये दोनों टर्म क्या है, वो हाईएस्ट डिग्री टर्म वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वाई क्यूब के कोफिशिएंट को इक्वल टू जीरो रखते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, माइनस का ए स्क्वायर, इसको इक्वल टू जीरो रखोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मिला, मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, प्लस माइनस ए मिला। ठीक है, हमको क्या मिल गया, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या मिला, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए करने का मतलब हमको दो एसिम्प्टोट्स मिला। एक बात आप नोट करो, क्योंकि इस कर्व के इक्वेशन में हाई डिग्री टर्म कितना है, पाँच है, यहाँ पे पाँच, तीन दो पाँच, चार एक पाँच, चार एक पाँच, तीन दो पाँच, और क्या, तीन दो पाँच करें, और यहाँ पे चार ही है, छोड़ो उसको, हमको हाई डिग्री देखना था, तो हमको ये क्लियर हुआ क्योंकि कर्व का हाई डिग्री पाँच है, तो इस कर्व के हमको पाँच एसिम्प्टोट्स मिलने चाहिए, तो दो तो मिल गए, अब तीन हमको निकालने पड़ेंगे। तो देखो, हमको एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं मिले, तो हम क्या करते हैं, बाकी एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए लिमिट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, उसको नोट करो पहले। चलो, तो हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं एसिम्प्टोट्स करस्पॉन्डिंग टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, एसिम्प्टोट्स करस्पॉन्डिंग टू एक्स प्लस वाई करना है, तो आप क्या करो, लिख लो पहले। ठीक है, एसिम्प्टोट्स करस्पॉन्डिंग टू एक्स प्लस वाई, इसके लिए क्या करो, इस टर्म को इधर ही रखो लेफ्ट में, और बाकी चीज़ों को राइट में भेजो, तो ये सभी राइट में जाएगा, क्या बनेगा, माइनस ए एक्स क्यूब एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर वाई क्यूब, और डिवाइड में क्या होगा, इसका सब मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर है और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो यार, लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, तो लिमिट दो तरह से लोगे, या क्या लोगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी लोगे, और दूसरा लिमिट क्या लोगे, वाई बाई एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है उसको भी देखोगे। ठीक है, तो वाई बाई एक्स कहाँ अप्रोच करेगा, इसको कैसे निकालोगे, जो चीज़ इसके करस्पॉन्डिंग आप निकाल रहे हो, एक्स प्लस वाई करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हो, तो उसको इक्वल टू जीरो रखो, और यहाँ से वाई बाई एक्स का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहाँ से वाई बाई एक्स किसके बराबर है, माइनस का वन के बराबर है। ठीक है, तो वाई बाई एक्स कहाँ अप्रोच करेगा, माइनस के वन को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो जब कहाँ को अप्रोच किया, माइनस का वन, तो देखो यहाँ पे भी वाई बाई एक्स होने वाला है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम वहाँ पे हम माइनस वन रखेंगे, और जहाँ पे सिंपली एक्स बचने वाला है वहाँ पे भी इन्फिनिटी रखेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको कुछ वाई बाई एक्स की तरह बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जब ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एक्स के पावर फोर बनेगा, करने का मतलब हाई डिग्री फोर मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बाई एक्स के पावर फोर से। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हम ये सब जो डिवीजन है सिर्फ राइट में कर रहे हैं, लेफ्ट में नहीं करेंगे, क्योंकि लेफ्ट के करस्पॉन्डिंग तो हम निकाल ही रहे हैं। ठीक है, क्या मिलेगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी वाई बाई एक्स अप्रोच टू माइनस का वन, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे डिवाइड बाई एक्स कर दो। ठीक है, डिवाइड बाई एक्स क्यूब कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या मिल जाएगा हमको, माइनस का ए, अंदर डिवाइड करोगे तो वन माइनस वाई बाई एक्स मिल गया। ठीक है, प्लस
यहाँ पे भी क्या करोगे, x के पावर 4 से डिवाइड करो, उसका मिलेगा प्लस ए स्क्वायर है, और y को y बाई एक्स का क्यूब कर लो और इंटू 1 बाई एक्स कर लो, x के पावर 4 था तो 3 यहाँ पे निकले, 1 यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया ऐसा, क्योंकि क्योंकि हमको y बाई एक्स का वैल्यू पता है, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है, x के पावर 4 से, तो क्या करो इसको x स्क्वायर और x स्क्वायर कर दो, ठीक है। x के पावर 4 से डिवाइड कर रहे हो, जिससे होगा क्या, ये टर्म अपने आप कैंसिल हो जाएगा, हमको सिर्फ ये टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। ये टर्म लिखा गया उसको ओपन कर लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, इसको क्या करना है, x स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है, x स्क्वायर से डिवाइड करना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 y बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, 1 माइनस y बाई एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। इसको ओपन करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए बनने वाला है, ठीक है। हमको y बाई एक्स का वैल्यू पता था, तो ठीक है, तो क्या करते हैं, हम लिमिट को अपोज कराते हैं, तो देखो y बाई एक्स कहाँ जा रहा है, माइनस के 1 को, तो यहाँ पे क्या देगा, माइनस का 1 मतलब प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, माइनस का 1 करोगे, माइनस 1 का क्यूब मतलब माइनस 1 होने वाला है, लेकिन यहाँ पे x कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 होने वाला है, तो ये 0 इस पूरे नंबर क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो उसको हटा दो। नीचे क्या है, y बाई एक्स की जगह माइनस का 1 मतलब क्या, प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सिंपली ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे माइनस का 2a है, डिविजन में कितना है, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 4 मिलने वाला, तो क्या मिल गया हमको, 4 मिल गया, ठीक है। तो 2 टाइम्स का कट गया, मतलब क्या मिला हमको, एस इंटूस करस्पॉन्डिंग टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का ए बाई 2, ये मिल गया हमको तीसरा एस इंटू, ठीक है। हमको 2 वहाँ से मिले थे, एक यहाँ से तीसरा मिल गया, इसको नोट करो। बात करते हैं आगे के बारे में, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं सिम्प्टोट्स करस्पॉन्डिंग टू एक्स माइनस वाई। तो देखो यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई है, और एक्स माइनस वाई यहाँ पे स्क्वायर है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अंदर देखो, यहाँ पे क्या, वाई का कोपिशन माइनस 1, यहाँ पे भी वाई का कोपिशन माइनस 1 सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में निकालेंगे, ठीक है। तो उसको नोट करो पहले, चलो। तो बात करते हैं सिम्प्टोट्स करस्पॉन्डिंग टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। सिम्प्टोट्स करस्पॉन्डिंग टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो क्या करो, आप इसको इस तरह से रीअरेंज करो कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर है प्लस x माइनस वाई है, और क्या करो, लिमिट लेंगे अभी हम, देख लेंगे x अप्रोच टू इन्फिनिटी, और देखो इस बार क्या है, x माइनस वाई करस्पॉन्डिंग निकालना है, तो इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो y बाई एक्स क्या आएगा, y बाई एक्स आपका इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू 0 रखोगे तो x किसके बराबर है, y के बराबर, कहने का मतलब y बाई एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, y बाई एक्स कहाँ आ जाएगा, इस बार 1 की तरफ से आएगा, ठीक है। तो x अप्रोच टू इन्फिनिटी और y बाई एक्स अप्रोच टू 1, ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 टर्म बचे हुए थे और यहाँ पे भी ये टर्म बचा हुआ था, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई में ये टर्म है, तो उसको क्या लिखो, ए एक्स का क्यूब लिखो, डिवाइड कर दो जो चीज़ से बच रहा है, क्या क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई बच रहा है, ठीक है। ओवर आप एलसीएम लोगे तो ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाला है, वही बन जाएगा, राइट में 0 है तो ये नीचे वाले को सभी को राइट में फेस दोगे, ओवरऑल वो न्यूट्रलाइज होकर यही बन जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे भी लिमिट ले लो, एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, वाई बाई एक्स अप्रोच टू 1, कितना है, ए स्क्वायर वाई क्यूब, डिवाइड में कितना है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई और इक्वल टू 0 है, ठीक है। एलसीएम लोगे तो ये क्या आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, यही टर्म बनने वाला है, नीचे ये बचेगा उसको राइट में मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल वही बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करता है, यहाँ पे देखते हैं हम आईजीडी टर्म कितना, तो आईजीडी टर्म कितना है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, इस बार एक्स क्यूब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो आप लिख लेना कि लिमिट वाले टर्म्स के अंदर, हम क्या इसमें नहीं करेंगे या फिर इसमें नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिमिट वाले टर्म्स के अंदर करेंगे। आप लिख लो, इन लिमिट टर्म्स वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स का क्यूब, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई, और क्या लिमिट अभी लिख लो, बाद में अप्रोच करेंगे इसके आगे वाले स्टेप में, ठीक है। वाई बाई एक्स अप्रोच टू 1, और यहाँ से क्या करना है, एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो ऊपर ही बचेगा, और नीचे एक्स क्यूब से करना है तो एक्स कर लो और एक्स स्क्वायर कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे सिंपली 1 प्लस वाई बाई एक्स बचेगा, ठीक है। माइनस लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, y बाई एक्स अप्रोच टू 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर है और y बाई एक्स का क्यूब बन जाएगा, और डिवाइड में क्या है, इसको भी क्या कर दो, डिवाइड करोगे तो ये तो हट जाएगा, सिंपली यहाँ पे 1 प्लस y बाई एक्स बचेगा, एक्स क्यूब से जो डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये सिंपली 1 प्लस y बाई एक्स बचेगा, और इक्वल टू कितना है, 0 है।
अब क्या करो, सभी वैल्यूज पुट करो, तो देखो x कहीं भी अकेला नहीं है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सिर्फ y बाई एक्स वाला यूज करेंगे, कहाँ पे जा रहा है वन को जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया वन आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया वन, यहाँ पे भी आ गया वन, ठीक है। तो वन का क्यूब मतलब क्या, वही वन ही आ गया, तो यहाँ से क्या मिला x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे वन प्लस वन टू है तो क्या हो जाएगा ए बाई टू एक्स माइनस वाई, और साथ में क्या है माइनस, इसको भी हटाओ, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर है, स्क्वायर है ए स्क्वायर बाई टू, और क्या मिला हमको कुछ नहीं बच रहा ना, इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमको ये एक टर्म मिल गया। तो देखो हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो वो कैसा होता है, वो आपका कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के बराबर होता है। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और क्या इसका अलजेब्रिक टर्म कितना है टू है। देखो ये जो ए है आप उसको इससे कंपेयर मत करना, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ए होता है वो क्या होता है एक्स का कोफिशियंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ए आपका ये कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक है। ये क्या है, ये जो ए स्क्वायर बाई टू है वो क्या है सी का वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे जो ए बाई टू है वो क्या है इस बी का वैल्यू है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना। तो देखो अगर हमने बाहर बोला कि अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके अंदर, x के अंदर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं x के टर्म में बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए बाई टू एक्स माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x माइनस वाई के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सिद्धांत रूल लगा के अपने इसके जो दो एसिम्प्टोट्स बचते हैं उसको निकालेंगे, ठीक है। एसिम्प्टोट्स कैसे निकालेंगे, अब इसके रूट्स निकालेंगे, जो रूट्स होंगे वही क्या होंगे एसिम्प्टोट्स होंगे, ठीक है। तो देखो हम ऊपर करना ऊपर ऊपर का हम नोट करो नब करेंगे, चलो ठीक है। तो हम क्या करते हैं अब सीधा चार रूट लगाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर टू माइनस बी, तो बी क्या है ये, तो माइनस का ए बाई टू, फिर क्या मिलेगा प्लस माइनस, और फिर क्या मिलेगा अंडर रूट बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बाई फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए, ए का वैल्यू कितना है वन, सी का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर बाई टू अपान टू इंटू ए का वैल्यू कितना है वन है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमको क्या क्या मिलेगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर टू माइनस का ए बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बाई फोर है, और यहाँ पे कितना है माइनस टू टाइम्स कट जाएगा टू ए स्क्वायर है, ठीक है, इतना हो गया, और डिवाइड में कितना है टू है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं नीचे का नोट कर लो, चलो ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा ये माइनस का ए बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट फोर टू जै एट और प्लस माइनस है ना, तो कितना हो जाएगा नाइन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कुछ गलती हो रही है शायद, प्लस होना चाहिए था, प्लस नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो हम चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं, फिर देखते हैं क्या गलती हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है, हो सकता है सही भी चल रहा हो, ठीक है। हमको क्या मिलेगा फोर टू जै एट और क्या माइनस ये हो जाएगा माइनस का सेवन हो जाएगा, तो माइनस सेवन ए स्क्वायर बाई फोर मिलेगा, कहने का मतलब इमेजनरी रूट्स मिल गए, ठीक है। तो बाकी दो तो इमेजनरी मिल गए हमको, इमेजनरी नहीं मिलने चाहिए थे, ठीक है, कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ था। हमको क्या मिला था एक सेकेंड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और क्या प्लस था ना ए बाई टू एक्स माइनस वाई और क्या था माइनस था ए स्क्वायर बाई टू था ना इक्वल टू जीरो, तो सी का वैल्यू क्या होगा ये यूज होगा ना माइनस के साथ में यूज होगा, ठीक है। तो हमें ये भी मिस्टेक हो गया था। तो देखो जब क्या करोगे आप ये यूज करोगे यहाँ पे ए स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस वाई स्क्वायर टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू कितना है वन, सी का वैल्यू कितना है माइनस ए स्क्वायर बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, तभी तो बोल रहे हैं नाइन आना चाहिए था, क्योंकि क्योंकि इसके जो दो रूट्स हैं इमेजिनरी नहीं आते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा ये सिंपली फोर ए सी का वैल्यू कितना है माइनस का ए स्क्वायर बाई टू है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो कितना मिलेगा ये सिंपली आपका ए टू टाइम्स जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा। अब इस बार क्या होने वाला है यहाँ पे फोर टू जै एट वन नाइन बनेगा, देखो अब सही है यार नाइन ए स्क्वायर बाई फोर मिला, ठीक है। अब क्या करोगे इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा माइनस का ए बाई टू, यहाँ पे सभी बाहर से बाहर निकलेंगे तो कैसे बाहर निकलेंगे प्लस माइनस, यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे ए निकलेगा बाई टू निकलेगा और डिवाइड में कितना है टू तो है ही, ठीक है। तो क्या करते हैं हमको एक एसिम्प्टोट्स मिलेगा
x minus y is equal to minus a by 2 plus 3 a by 2 by 2 के बराबर, और ये कैसे इंटोर्स मिलेगा, x minus y is equal to minus a by 2 minus 3 a by 2 by 2 के बराबर, ठीक है। तो आप इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है, जो भी रियल टाइम आप उसको देख लेना है, ठीक है। चलो हमको दो और तीन, ये दो क्या मिल गया, पांच हमको ऐसे इंटोर्स मिल गए इस कर्व के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, नोट कर लो।